जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारियां नूं इस प्रोग्राम दे विच स्वागत करदे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम तुहाडे लई अज लैके हाजिर होया जिथे इस मंच ते इस प्रोग्राम दे विच लगातार राजनीति पॉलिटिक्स भावें वह इंडिया पंजाब दे होन या इत्थे अपने अब्रॉड यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा यूके दे होन उन्हां दी गल हुंदी है उत्थे ही आपां कोशिश करदे हां कि जिथे जायज़ होए उत्थे सिक्खी दी भी गल की जाए बिकॉज ये साडे दिल दे बहुत करीब एक मुद्दा हैगा। तो जो सिक्खी दी गल आंदी है एक पासे बहुत पॉजिटिव चीज़ साडे लई साडी कम्यूनिटी विच मनी जाती है जदों कोई बाहर दा आ के सिक्खी नूं अपनांदा है नानक दी बाणी दा पल्ला फड़दा है। अज जो साडे गैसट है एक इहो जे ही इंसान हन जिन्हां ने कुमार तो सिंह दी ट्रांजिशन कीती लाइफ लोंग एक RSS दी जो आइडियोलॉजी है ओदे विच पले बड़े लेकिन एक मुकाम तो बाद वो सिक्खी वल तुर गए ना कि सिर्फ वो आप तुरे अज दी डेट दे विच उन्होंने एक एहो जी संस्था दे नाल राबता कायम किया है फाउंड की है जो संस्था होरां नूं भी सिक्खी दी तरफ तोर रही है। एक बार फिर मैं सारे दसना चाहती हाँ प्रोग्राम लाइव थोड़े नाल अज पेश कर रहे हैं तो तुसी भी जरूर साडे नाल जुड़ के अपने क्वेश्चन कॉमेंट्स रखो इस प्रोग्राम दे विच एंड मैं अज दे साडे गैसट नू स्वागत करना चाहती हाँ इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल जुड़ रहे हैं हरियाणा तो साडे अज शाम दे गैसट मनोज सिंह दूहन जी। सब तो पहले मनोज जी थोड़ा प्रोग्राम दे विच स्वागत सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल मनोज जी। जी जी तुहाडा स्वागत प्रोग्राम दे विच। मनोज जी तुहाडी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सो आई एम ग्लैड कि तुसी साडे नाल जुड़ के अपना ये जो सफ़र तुहाडा चल रहा है दे बारे साडे दर्शकों नूं थोड़ा जिहा दस सकदे हो। मनोज जी सब तो पहले तो यू नो तुसी बचपन तो RSS आइडियोलॉजी दे विच पले बड़े सी तुहाडा की पिछोकड़ है तुसी इस आइडियोलॉजी बारे कुछ शब्दों विच ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਜੋ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਭਈ RSS ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮੈਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੁਆ ਤੋ ਉਸਕਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਰਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਕੂਲਿੰਗ ਰਹੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 6th ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੂ 12th ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋ ਉਹ ਮੇਰੀ RSS ਕੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੇ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਮੇਰੀ ਰਹੀ ਔਰ RSS ਕੇ ਸਕੂਲ ਮੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਤੋ RSS ਕੇ ਜੋ ਕੈਡਰ ਕੈਂਪ ਥੇ माने एक हफ्ते का कैडर कैंप है इनका जिसे ये ITC बोलते हैं इनिशियल ट्रेनिंग कैंप फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप है 21 दिन के उसको बोलते हैं प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष तो जो तीसरा इनका जो होता है कैडर कैंप वो होता है नागपुर में वो 48 के लगभग 48 दिनों का रहता है तो RSS के 48 दिनों का कैडर कैंप तो मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि तब तक मेरे अंदर समझ पैदा हो चुकी थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में काम करता है क्या इनकी आइडियोलॉजी है लेकिन चूंकि मेरी स्कूलिंग RSS के स्कूल में हुई तो जितने इनके आइडियोलॉग्स थे और स्कूल में जितनी किताबें थी स्कूल की लाइब्रेरी में RSS के विचारकों की जो इनके जो दार्शनिक थे उनकी किताबें इनके राइटर्स की किताबें तो लगभग 11th और 12th स्टैंडर्ड में मैंने इनकी जहां तक मुझे याद है 500 to 600 बुक्स मैंने इनकी जो है वो पढ़ ली थी और जिस वजह से मुझे ये समझ आ चुका था कि भाई RSS किस आइडियोलॉजी पे काम करती है किस आइडियोलॉजी पे काम करती है मनोज जी किस आइडियोलॉजी पे काम करती है इनकी इनकी आइडियोलॉजी जो है मैम वो है बेसिकली ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी ये हिंदू का नाम लेकर और हिंदू के नाम पर ये पूरे हिंदू कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट करके और ये केवल और केवल ब्रह्मनिज्म की सत्ता को इस मुल्क में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इनका फॉर्मूला यह है कि जो माइनॉरिटीज हैं इस मुल्क में चाहे वो सिख माइनॉरिटी हो चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी हो उनके खिलाफ ये हिंदू सेंटीमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके वोट का कंसोलिडेशन करते हैं BJP के पक्ष में तो इनकी आइडियोलॉजी बेसिकली बहुत फेनेटिक आइडियोलॉजी है फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी है और जो इस मुल्क के इंडिया के हक में नहीं है केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के हक में इनकी आइडियोलॉजी नहीं है माने जो आज जो 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 हमारे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज नेबर जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी जो हमारा माहौल खराब हुआ है उसके बुनियाद में भी आप देखेंगे तो हिंदू फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं
हिंदू फंडामेंटलिज्म है उनकी आइडियोलॉजी आपको काम करते हुए नजर आएगी। जी मनोज जी, थोड़ा जहा अपने एक परिवारिक तौर पर अपने पिछोकड़ बारे सानू दसो, बिकॉज तुहाडा नाम मनोज कुमार हुंदा सी किसी टाइम ते, बट तुहाडे जो यू नो लिनीएज हैगी वह हमेशा ही कुमार या इस पासे सीगी, या ओदी कोई होर इतिहास हैगा जो तुसी सानू दस सकदे हो? नहीं मैम, आपने जैसे बताया ना कि भाई हमें बड़ी खुशी होती है कि कोई मतलब बाहर का बंदा जो है वो सिक्की में आए, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग बाहर के नहीं हैं, हम लोग अंदर के थे, लेकिन बीच में भटकाव ऐसा आया कि हम लोग बाहर चले गए थे, तो लेकिन अब फिर वापस आ गए हैं। हम जो लाइनेज है हमारी, जैसे मेरा जन्म रोहतक में जाट हिंदू जाट फैमिली में हुआ, लेकिन मेरे फादर उनका नाम सूबे सिंह, मेरे दादाजी का नाम चौधरी इंदर सिंह, नाना जी का नाम रिसाल सिंह और मेरी दादी जी का नाम राम कौर। तो हमारी जो फैमिली के जो हम पिछोकड़ देखते हैं, जो पिछली जो लाइनेज देखते हैं, तो सभी सिंह और कौर मुझे उसमें नजर आते हैं, लेकिन मेरी जो जनरेशन आई, मेरी जनरेशन में सभी कुमार होते चले गए। तो ये हमारा भटकाव था। ये कैसे हुआ मनोज जी, आप कुछ थोड़ा जा तुसी सानू दस सकते हो कि ये भटकाव ये किस तरह ये चीज हुई? देखिए जी, ये भटकाव तो पूरे हरियाणा के अंदर चला है, पूरे वेस्ट यूपी के अंदर चला है, पूरे राजस्थान में चला है। हम लोग वेस्ट यूपी में, राजस्थान में भी हम देखेंगे तो वहां भी जैसे चौधरी चरण सिंह जी, तो वो भी सारे सिंह थे, और उनकी जो जो औरतों के जो लेडीज के नाम थे वो भी कौर थे। लेकिन ये मैं ऐसा मानता हूं कि आर्य समाज की वजह से, जो महर्षि दयानंद सरस्वती का जो ऑर्गेनाइजेशन था आर्य समाज, और फिर हिंदू आइडियोलॉजी के प्रभाव की वजह से हम लोग अपने जो हमारा मूल था, जो हमारे रूट्स थे, उन रूट्स से हम लोग अलग हट गए और हम लोग हिंदू फोल्ड में फिर आते चले गए। तो बेसिकली तो हम सभी सिंह हैं, बेसिकली तो हम कौर हैं, बेसिकली तो हम नानक पंथी हैं, लेकिन इन बिटवीन हिस्ट्री में इस तरीके का मोड़ रहा कि हम लोग जो है अपने रास्ते से भटक गए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। तो अब गुरु नानक देव जी की कृपा से जो है, अब जो किसान मूवमेंट चल रहा है उसमें बहुत पॉजिटिव माहौल बना है। माने आज तक बहुत बहुत किसान मूवमेंट चले हैं, लेकिन ये किसान मूवमेंट अपने आप में एक अलहदा किस्म का है, अपनी एक ब्यूटी है इसमें कि इसमें गुरु नानक देव जी की लीला काम कर रही है। माने अभी तक तो हमने रामलीला और कृष्ण लीला देखी हैं, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि गुरु नानक देव जी की लीला इसमें काम कर रही है, और इससे प्रेरणा लेके जो है अब पूरा हरियाणा, पूरा वेस्ट उत्तर प्रदेश, पूरा राजस्थान जो है वो गुरु नानक देव जी के रास्ते को समझने लगा और उस पर चल रहा है। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ RSS ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਾਂ ਜੀ। ਮਨੋਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਮਨੋਜ ਜੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਹੀਅਰ ਮੀ? ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ। ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਨੋਜ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਨੀਏਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਕੌਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੌਟ ਆਇਓ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੋਜ ਜੀ, ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ? ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ फरवरी 2016 में जाट रिजर्वेशन की मूवमेंट चली थी, जिस जाट रिजर्वेशन की मूवमेंट के अंदर करीबन हमारे 20 जो साथी थे उनको गवर्नमेंट ने गोलियां चला के शहीद कर दिया, और हरियाणा के जाट उसमें अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। उस
उस जाट रिजर्वेशन मूवमेंट में जो वायलेंट हो गई थी उसमें मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने 6 केसेस लगाकर मुझे जेल में डाल दिया और करीबन 3 साल 9 महीने मुझे गवर्नमेंट ने जेल में रखा। वहां मुझे चूंकि मेरे पास समय था समझने का, चिंतन करने का, मनन करने का और स्टडी करने का, तो वहां मैंने स्टडी करना शुरू किया कि भाई हम भी हिंदू हैं बेसिकली, जैसे हमको हिंदू का कहते हैं जाट कम्युनिटी को, लेकिन मैं हिंदू होने के बावजूद भी हमें जेल में गवर्नमेंट ने क्यों डाला। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग हमें हिंदू नहीं मानते, ये लोग केवल हमारा इस्तेमाल करते हैं। और आरएसएस की आइडियोलॉजी को मैंने पहले स्टडी कर रखा था स्कूल टाइम में, तो इस वजह से एक कंट्रास्ट कंपैरिजन मेरे दिमाग में रहा, मेरे दिमाग में बना। और सिक्खी की हिस्ट्री की बुक्स मेरे पास मेरे फ्रेंड्स ने भेजी, तो मैंने वहां अरदास की कि अगर मैं जेल से बाहर निकल जाता हूं तो मैं जेल से बाहर जाके मैं सिक्खी को, सिक्खी में आऊंगा और इसके इस मिशन में भी मैं लगूंगा सिक्खी के प्रचार प्रसार में। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जब मैंने अरदास की तो अरदास करने के विद इन ए मंथ ऐसी कृपा रही गुरुओं की कि मैं, मेरी जमानत हो गई और बाहर आने के बाद हमने फिर सिक्खी का प्रचार प्रसार जो है उसको करना शुरू किया। मैं खुद सिख बन गया और हमने और भी अपने साथियों को प्रेरित किया। जी ये तुसी ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल तौर पर बट तुसी एक ऑर्गेनाइजेशनल तौर पर एक संस्था दे नाल भी इस चीज़ नू अगे लैके जा रहे हो। ये जो तुहाडी संस्था है यूनियनिस्ट सिख मिशन जो पिछले साल बनी सी, इहदे बारे सानू दसो। देखिए मैम, यूनियनिस्ट जो शब्द है उसका मतलब होता है जो जोड़ने में विश्वास करते हों, और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है या किसी भी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडियोलॉजी होती है वो तोड़ने में विश्वास करती है। और ये जो यूनियनिस्ट जो शब्द है इसको क्वाइन किया था सर छोटू राम जी ने पंजाब में, बिफोर 1947 पंजाब में, 1923 में मियां सर फजल हुसैन साहब और सर छोटू राम जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी। इस पार्टी ने 1923 टू 1947 तक पंजाब पर हुकूमत की, यूनाइटेड पंजाब में इसी पॉलिटिकल पार्टी की उस जमाने में हुकूमत थी। इसमें सर सिकंदर हयात खान पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने थे और उनके बाद 1942 में उनकी डेथ हो गई थी, तो खिजर हयात खान टिवाना साहब पंजाब के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, पंजाब स्टेट को प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। तो मियां सर फजल हुसैन साहब और सर छोटू राम जी ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी उस आइडियोलॉजी को दफन कर दिया गया पंजाब के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, क्योंकि ये आइडियोलॉजी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ थी। ये आइडियोलॉजी समानता में विश्वास करती थी। खिजर हयात खान टिवाना साहब जो पंजाब के प्रीमियर थे, उन्होंने 1947 में आरएसएस को पंजाब में ऑफिशियली बैन कर दिया था। तो इस आइडियोलॉजी को भी हम लोग समझते थे और इस आइडियोलॉजी के आधार पर हमने पहले एक ऑर्गेनाइजेशन चला रखा था। 2015 में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था, यूनियनिस्ट मिशन के नाम से हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। तो ये आइडियोलॉजी कहीं दोबारा से नॉर्थ इंडिया में ना फैल जाए, कहीं दोबारा से पंजाबी इस आइडियोलॉजी को ना समझने लग जाएं, तो इस वजह से जाट रिजर्वेशन में झूठा मुझे फंसाकर गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। लेकिन बाहर आने के बाद हमने, चूंकि हमारा कैडर जो था वो यूनियनिस्ट आइडियोलॉजी पर काम कर रहा था, तो हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया, यूनियनिस्ट सिख मिशन। और यूनियनिस्ट सिख मिशन के माध्यम से, देखिए कोई भी काम हम लोग करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही हम लोग काम करें तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। ऑर्गेनाइजेशन कोई और संगठन कोई साधारण चीज नहीं होती। एक अनपढ़ मिनिस्टर, एक इलिटरेट मिनिस्टर, हम उसके ऑफिस में जाएंगे तो हम क्या कह के अंदर जाएंगे? हम ये कहकर अंदर जाएंगे मे आई कम इन सर, माने एक अनपढ़ आदमी को भी हम लोग मे आई कम इन सर कह के उसके दरवाजे को नॉक करके अंदर जाएंगे। उसके पास किस चीज की ताकत है? उसके पास ताकत है संगठन की, उसके पास ताकत है ऑर्गेनाइजेशन की। तो विदाउट ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में हम लोग गति नहीं कर सकते, आज के समय में हम विदाउट ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमने इसलिए सिक्खी के प्रचार के लिए जो है गुरुओं की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया लास्ट ईयर
यूनियनिस्ट सिख मिशन और हम लोग आज पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है काम कर रहे। किस तरह का काम मैं तो थोड़ा जा पूछा, ना कि सिर्फ यूनियनिस्ट सिख मिशन बट जिस तरह सानू पहले दस रहे सी कि तुहाडे जो कुछ साल तुसी जेल विच बिताए उना दे विच तुहाडी ट्रांसफॉर्मेशन मनोज कुमार तो मनोज सिंह बन गई ते तुसी लिकल के अरदास करन तो बाद रिहा होने तो बाद तुसी ना के आप सिखी नू अपनाया बट दूजियां तक पहुंचा रहे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह इस पासे लगी हुई है? देखिए मैम, हमारा वन पॉइंट एजेंडा है, क्योंकि एक आदमी जीवन में एक भूमिका लेकर चले और उस भूमिका को ही अपने जीवन में पार उतार दे तो ये भी एक बड़ी बात रहती है। हमारा यूनियनिस्ट सिख मिशन का सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हम लोग जो हमारे जो भाई सिखी से भटक कर जो है हिंदुइज्म के फोल्ड में चले गए थे, माने पूरा नॉर्थ इंडिया, असल में मैं ये मानता हूं कि नानक पंथी हुआ करता था, तो हम लोग जो भटक गए थे तो हमारा एक पॉइंट एजेंडा ये है कि हम लोग सिखी में आएंगे, पूरे नॉर्थ इंडिया को सिखी में लाने के लिए हम लोगों ने जो है स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है और इसी पर हम लोग वर्क कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिखी में आने के लिए इनवाइट किया जाए। सिख जो है वो सेवा कार्य बहुत पूरी दुनिया में कर रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए पूरी दुनिया में जो है सिख जो है वो उसका नाम है जो है, लेकिन सिखी जो है हम लोग कन्वर्जन के ऊपर ध्यान नहीं देते जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन के ऊपर ध्यान देती हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो श्री गोविंद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था कि भाई 96 करोड़ी खालसा होना है, तो 96 करोड़ी खालसा वो खुद ब खुद नहीं बनेगा, उसमें गुरुओं का वो प्रोग्राम था, उसमें गुरुओं ने जो है हमारी ड्यूटी लगाई थी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सिखी के लिए लोगों को इन्वाइट करें, उनको बताएं सिख फलसफा ये है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग इसी डायरेक्शन में काम करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और सिखी को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसी विचारधारा है जो सल्वेशन की विचारधारा है, जिस विचारधारा से पूरी दुनिया का जो है भला हो सकता है, कल्याण हो सकता है। जी जी मनोज जी, तुसी सानू ये भी कहा कि एक जदों सांझा पंजाब हुंदा सी, थोड़ी अगर इतिहासिक तौर पर आपां गल नूं लैके जाइए कि वो नानक दे नाल जुड़िया हुआ सी, वो नानक दी बाणी नूं मंनदा सी। अगर आपां ऑर्गनाइजेशन दी गल करनी है, भावें वह RSS होए या कोई होर राजनीतिक संस्था की आपां इत्थे गल करिए, तो किस तरह पंजाब दे जो बॉर्डरस हन उन्होंने मनीपुलेट किया गया इस सिखी दे फैलाव या नानक दे फैलाव उन्होंने प्रचार दे फैलाव नू रोकन लई? देखिए अब जो है ये आपके बात ठीक है कि भाई हरियाणा और पंजाब के बीच में बॉर्डर 1966 में तैयार कर दिया गया और हरियाणा के अंदर SYL के मुद्दे पर, कहीं अब चंडीगढ़ के मुद्दे पर, अबोहर फाजिलका के मुद्दे पर जो है हरियाणा और पंजाब को पॉलिटिशियंस ने लड़वाने की कोशिश की। इसी तरीके से जो पाकिस्तान में पंजाब चला गया, उस पंजाब को और इंडियन पंजाब को भी आपस में लड़वाने के लिए ही सारी कोशिशें सियासतदानों की रही। ये जितनी वार पाकिस्तान के साथ हमारी होती हैं, बेसिकली ये वार पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये पंजाब आपस में लड़ता है। एक तरह एक पासे लाहौर है, एक पासे अमृतसर है, और हरियाणा के साथ भी जो है पंजाब को लड़वाने की कोशिशें आज तक होती रही हैं। लेकिन अब ये जो सदी है 21वीं सदी, ये गुरु नानक देव जी की सदी है। आप देखेंगे करतारपुर कॉरिडोर खुल गया, वो एक रास्ता बन गया है पाकिस्तान के पंजाब के बीच में भी, और अब जो दिल्ली में जो संघू मोर्चा के ऊपर और टीकरी बॉर्डर के ऊपर जो पंजाब से उठ के सिख आए हैं, तो हरियाणा के रास्ते वो आए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं, और हरियाणा में भी जो है सियासतदानों ने SYL के मुद्दे को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन अब समझदारी आ चुकी है, अब सब लोग समझ चुके हैं कि ये केवल पंजाब को आपस में लड़वाकर और जो है हुकूमत करने की इन लोगों की तैयारी थी। इस चीज को सब लोग समझ चुके हैं, सब लोग समझदार हो चुके हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि अब जो है इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये सदी गुरु नानक देव जी की सदी है, ये नानक लीला शुरू हो चुकी है,
तो ये बात आपकी ठीक है कि आपस में हमको लड़वाया जा रहा था, लेकिन अब हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, अब हम लोग इकट्ठे मिलकर जो है किसान मोर्चे की लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। जी मनोज जी, तुसी मोर्चे की गल की, ऑफकोर्स इस पासे मैं थोड़े तो दो तीन सवाल पूछना चाहती हूँ। तुसी आप मोर्चे दे विच शामिल हुए हो? हाँ जी, हम तो शुरू से ही इस मोर्चे में शामिल रहे हैं, फर्स्ट डे से ही। जी मनोज जी, तुसी अगर नानक दी बाणी दी गल करदे आ, किस तरह सिखी दी लहर तुसी मोर्चे च देखी है, जो तुसी सानू दस सकदे हो? देखिए मैम, आज तक हम लोग दो शब्द हमने सुने हैं, एक हमने सुना है सुखी आदमी और एक हमने सुना है दुखी आदमी, माने सुखियारा और दुखियारा। गुरु नानक देव जी ने एक नया शब्द कॉइन किया, एक नया शब्द मानवता को दिया, दुनिया को दिया, वो था सचियारा, कि जो सच के ऊपर टिकने वाला आदमी हो। तो ये जो हमने जो लहर देखी है किसानी की, ये सचियारी लहर है, ये सच्चाई की लहर है, ये ना दुखी लोगों की लहर है ना सुखी लोगों की लहर है, ये सच्चे लोगों की लहर है। और इसका बहुत परिवर्तन इससे आया है, क्योंकि जैसे मोर्चों के ऊपर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया गया, होला मोहल्ला को सेलिब्रेट किया गया, तो हरियाणा के लोग, क्योंकि आपने जिस बॉर्डर की बात की थी, उस बॉर्डर की वजह से हम लोग पंजाब के सिक्खी कल्चर से महरूम रह गए थे, लेकिन अब संगू मोर्चे के ऊपर, टीकरी मोर्चे के ऊपर, चूंकि फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया गया, सिख कल्चर को सेलिब्रेट किया गया, तो हरियाणा के लोगों का एक तरीके से ये प्रशिक्षण चल रहा है, एक तरीके से ट्रेनिंग चल रही है। जैसे आरएसएस की ट्रेनिंग चलती है ना 21 दिन की, 7 दिन की, 48 डेज की, यहाँ गुरु नानक देव जी की ट्रेनिंग चल रही है, जिस ट्रेनिंग को होते होते अभी 7 मंथ्स हो चुके हैं। और ये जो गुरु नानक देव जी जो हमारी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ये ट्रेनिंग, मैं ये मानता हूं कि ये पूरे इंडियन जो है जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में इंडिया चल रहा है, उस पूरी डायरेक्शन को मोड़ देगी, और ये सचियारी डायरेक्शन में जो है हमें ले जाने वाली मूवमेंट है। केवल किसान मूवमेंट नहीं है, ये पूरे कल्चर को बदलने की मूवमेंट है जो हम लोग फील कर रहे हैं, और हम लोग ही नहीं फील कर रहे बल्कि पूरा नॉर्थ इंडिया इस चीज को शिद्दत के साथ महसूस कर रहा है। मनोज जी, तुसी इस एकता दी गल कीती है, खास करके जो ये पानी दा मसला है पंजाब हरियाणा दे विच, है ना, भावें अगर वो राजनीतिक तौर ते या किसी भी तुसी कह लो आइडियालॉजी दे कारण उस मसले नू वड्डा बनाया गया डिविजन क्रिएट करन लई, तुहानू लगदा है कि भावें मोर्चा खत्म भी हो जाए, पानी तां एक फाइनाइट रिसोर्स है, जिन्ना हैगा उन्ना ही है ना, पानी नू लैके खास करके SYL जो ये इशू है, तुसी कॉन्फिडेंट हो दैट ये एक बारी फिर वड्डा इशू नहीं बनूगा मोर्चे दे बाद या इस क्राइसिस दी रेजोल्यूशन तो बाद? नहीं मैम, ये जो इशू है ना, ये इशू खत्म हो चुका है। इस मोर्चे के जीतने के बाद जो इश्यूज बनने हैं, वो इशू बनेगा कि हरियाणा पंजाब को दोबारा से एक किया जाए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये दोबारा से एक हों, ये दोबारा से यूनाइटेड हों। इन फ्यूचर ये इश्यूज बनेंगे, ना कि ये इश्यू बनेंगे कि SYL भी कोई मुद्दा है या कोई चंडीगढ़ भी कोई मुद्दा है। ये इश्यूज अब खत्म हो चुके हैं, इन फ्यूचर जो मुद्दे बनेंगे वो बहुत पॉजिटिव मुद्दे रहेंगे, यूनिटी के मुद्दे रहेंगे। मनोज जी, तुहाडे कॉन्फिडेंस नू सुन के सानू खुशी हो रही है, ये जो हौसला जिस तरह तुसी इस चीज़ विच डट के जुड़े हुए हो, बट ऑफकोर्स चैलेंजेस राइट, ते ऑब्सटिकल्स, खास करके जो बैकलैश की गल आती है, जिस तरह तुसी सानू पहले दस रहे सी 2016 दे विच तुहानू जेल च पाया गया राइट, अज की डेट के जो तुसी काम कर रहे हो, खास करके इस संस्था दे राही यूनियनिस्ट सिख मिशन, जिहदा एक जुट लाइक तुसी कह लो गोल आ कि लोगों नू सिखी की तरफ एक बारी फिर जोड़ना, इस काम करके तुहानू अज की डेट के किस तरह का बैकलैश फेस करन नू मिल रहा है? देखिए, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइटिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो नहीं चाहते कि ये आइडियोलॉजी फैले,
लेकिन गुरु नानक देव जी की जो विद्या थी तस्तर की विद्या, एक है अस्तर, दूसरा है शस्त्र और तीसरा है तस्तर। अस्तर क्या है कि किसी ने तीर चलाया, मान लीजिए तीर कमान से तीर चलाया, और जो निशाना लेकर तीर चलाया वो निशाना दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। मान लीजिए हिरन, हिरन के ऊपर जो है तीर चलाया गया और हिरन अपना रास्ता बदल गई तो वो निशाना फेल हो गया, ये अस्तर है। तस्तर जो है, अगर किसी ने हिरन को लेकर या किसी टारगेट को लेकर तीर चलाया, हिरन अगर कूदेगी ऊपर कूदेगी तो वो जो तीर होगा वो भी ऊपर जाएगा। हिरन राइट मुड़ेगी तो तीर भी राइट मुड़ेगा, हिरन लेफ्ट मुड़ेगी तो तीर भी लेफ्ट मुड़ेगा, लेकिन हिरन का निशाना चूकेगा नहीं, ये शस्त्र है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज शस्त्र की विद्या जानते थे, गुरु नानक देव जी तस्तर की विद्या जानते थे। तस्तर क्या है? तस्तर है कि अगर दुश्मन कोई चाल चलता है, मान लीजिए दुश्मन का कोई तीर चलाने के दुश्मन सोचता है, तो उसका तीर जो है वो दुश्मन के खेमे में ही जो है वो खत्म हो जाएगा। दुश्मन मिसाइल चलाने की सोचेगा तो दुश्मन की मिसाइल दुश्मन के ही खेमे में खत्म हो जाएगी। जैसे अमेरिका ने बनाया नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इसराइल ने बनाया नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसराइल के ऊपर कोई मिसाइल से अटैक करेगा तो उस मिसाइल को, जहां से वो मिसाइल उड़ेगी, जहां से वो मिसाइल चलेगी, वहीं जो है इसराइल की मिसाइलें उसे खत्म कर देंगी, ये तस्तर है। मान लीजिए दुश्मन जो चाल चलेगा, दुश्मन की चाल दुश्मन के ऊपर ही जो है वो दुश्मन का ही नुकसान करेगी। और हमने देखा ऐसे, दुश्मन ने चाल चली जो है राकेश टिकैत को कंट्रोल करने की, लेकिन वहां और राकेश टिकैत को कंट्रोल करके और वहीं से इस मूवमेंट को खत्म करने की, लेकिन वो जो दुश्मन की चाल थी वो दुश्मन के जो है खिलाफ गई, वहां से सिक्खी और ज्यादा मजबूत होके उभरी। दुश्मन ने तैयारी की कि मोर्चों के ऊपर वो अपने गुंडे भेजकर, अपने जो है बदमाश भेजकर और वहां हुड़दंग मचाया जाए, लेकिन वो चाल भी उनकी जो है उनके खिलाफ गई और उन्हीं की बदनामी हुई। वहां मोर्चे के ऊपर किसान लीडर्स को एसेसिनेट करने के लिए, उनका मर्डर करने के लिए भी लोग भेजे गए, लेकिन वो भी पकड़े गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गुरु नानक देव जी का जो तस्तर है कि दुश्मन की मिसाइलें दुश्मन के खेमे में फटेंगी, ये तस्तर अब काम कर रहा है। तो हम लोग तो केवल एक अकाल पुरख के भरोसे इस मैदान में है, इस गेम ऑफ लव में है, और निश्चित तौर पर हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और हमें तो ये वरदान है, सिक्खी को वरदान है कि 1,25,000 से एक लड़ाऊं, तो हम लोग तो 1,25,000 से एक लड़ने वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी जीत होनी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और खुद गुरु नानक देव जी हमारी अगुवाई कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों का विश्वास है जी। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें कि हम लोग इस लड़ाई को हारेंगे, ये लड़ाई हम जीत चुके हैं और अब तो जो है हम इसको सेलिब्रेट करेंगे आगे जी। मनोज जी, तुसी सानू यू नो एक बार फिर बैकलैश किस तरह का तुहानू सामना करना पै रहा है, गवर्नमेंट का, अगर आप गवर्नमेंट की गल करिए जो वड्डी एंटिटीज होंगी है उन्हों का सामना करना पै रहा है, तुसी बेफिक्र होकर निडर होकर ये चीज़ कर रहे हो जिस तरह साढ़े गुरुआ ने सानू सिखाया है, बट एक इंडिविजुअल तौर पर राइट, तुहाडी संस्था यूनिनिस सिख मिशन लोकां तक सिक्खी पहुँचा रही है जिन्हां नूं तोड़िया सी किसी ना किसी टाइम पिछे जाके, अगर तुसी देख लो तोड़िया सी उन्हां नूं, एक इंडिविजुअल तौर पर किस तरह का रिएक्शन तुहानूं मिलता है? यू नो बिकॉज एक आम जो तुसी जनता की गल करते हो उन्हां दी जो डे टू डे उन्हां दी मजबूरियां हैगियां, गरीबी होए, कम कारज, परसनल 10 चीज़ां हैगियां, उस चीज़ करके लोगों का जो बिलीफ सिस्टम हुंदा है वो बड़ा पक्का जा हो जाता है, उन्हें तोड़ना उन्हें बदलना बहुत ही, मैं कहांगी एक बहुत ही यू नो इट्स डिफिकल्ट चीज़ हैगी। इंडिविजुअल तौर पर जिन्हां दे नाल तुसी यू नो गल करते हो कनैक्ट होंगे हो, खास करके हरियाणा दे विच, तुसी क्या राजस्थान यूपी इन वक् वक् थावां दे विच, खास करके जो RSS दे नाल जुड़े हुए है वो इस चीज़ नूं किस तरह लैंदे है? देखिए, एक तो जो बिलीफ सिस्टम की आपने बात की, तो सर छोटू राम जी कहा करते थे कि जाट का हिंदू क्या और मेओ का मुसलमान क्या, माने जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब्स का नॉर्थ इंडिया में, जैसे जाट हैं, गुज्जर हैं, इनका जो बिलीफ सिस्टम है, ये बिलीफ सिस्टम हमारा कभी भी फंडामेंटलिस्ट रहा ही नहीं है।
हम लोग खेती किसानी करने वाले लोग रहे हैं। आप देखेंगे कि कोई भी जाट, जो जैसे मेरी दादी जी थी, मेरी दादी ने कभी सिंदूर नहीं लगाया, क्योंकि जो जाट कम्युनिटी की जो औरतें होती हैं वो सिंदूर नहीं लगाती, हिंदू कम्युनिटी की औरतें सिंदूर लगाती हैं, जाट नहीं लगाते। मेरी दादी ने कभी साड़ी नहीं बांधी, मेरी दादी ने कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। ये हमारे में तो ये था कि भाई लाडो ले ले फेरे, जो मर गया तो और बतेरे, माने कि तू फेरे ले ले, ये मर गया तो विडो रीमैरिज हो जाएगी, तो विडो रीमैरिज की हमारी परंपरा थी। तो बिलीफ सिस्टम जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब्स में, खासकर हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान, दिल्ली देहात, इनके अंदर बहुत मजबूत नहीं रहा है, आज भी नहीं है। हम लोग किसी कुंभ के मेले में हम लोग नहीं जाते हैं, तो इसलिए। और दूसरा, फिर सिक्खी की हमारी लाइनेज है, सिक्खी के हमारे रूट्स हैं। आरएसएस की सरकार जरूर है, ये ठीक है कि भाई आज हरियाणा के अंदर आरएसएस की, बीजेपी की सरकार है, लेकिन आरएसएस की सरकार तो ईवीएम से बनी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ करके जो है ये सरकारें बन रही हैं आज। अदरवाइज पब्लिक में इनका कोई इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं है, ये सत्ता के बल पर तो कुछ भी कर लें, अपनी जो आज इनके पास पावर है उसके बल पर तो ये कुछ भी कर लें, लेकिन पब्लिकली ये गांव में घुस नहीं सकते। आज हरियाणा के अंदर आज पब्लिकली कोई आरएसएस की कोई शाखा लगा नहीं सकता, एक तरीके से अनऑफिशियली आरएसएस को हरियाणा में बैन कर दिया गया है, अनऑफिशियली आरएसएस एक तरीके से हरियाणा में बैन हो गई है। बीजेपी ने पूरे मुल्क के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, लेकिन हरियाणा ने आरएसएस को अघोषित तौर पर बैन कर रखा है। तो मैं ये समझता हूं कि इनका प्रभाव जो है सामाजिक तौर पर नहीं है, सोशली इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली ये जो है सब चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये इनके साथ पॉलिटिकल पावर की वजह से। मनोज जी, तुसी इस चीज दे नाल तुसी कॉन्फिडेंस रखते हो कि यू नो ऑफ कोर्स जिन्हां दी तां जड़ां सिक्खी दे नाल पुराने तो हैगियां, उन्हां नूं उस पासे वापस तोरना सौखा है, बट जो अज की डेट दे विच खास करके इंटरनेट ते, राइट, सोशल मीडिया ते एक बहुत वायरल होया टर्म हैगी अंधभगत, जो अंधभगत हैगे उन्होंने भी तुसी इस तरह कॉन्फिडेंट हैगे कि तुसी उन्होंने लैके आ सकते हो इस पासे? देखिए मैम, 90 को हम समझाएंगे, 10 जो होंगे उनको 90 समझा देंगे। तो अंधभगत जो हैं ये लोग कोई टिकने वाले लोग नहीं है, ये बेचारे बहकाए हुए लोग हैं, ये झूठ के अंदर जी रहे हैं, इनकी आइडियोलॉजी जो है वो झूठ पर टिकी हुई है। और जब सच्चाई आती है, जब सच्चाई उजागर होती है, जब सूरज उगता है, तो उल्लू जो है ना उनको परेशानी होती है, क्योंकि सूरज जब उगेगा तो उल्लू परेशान हो जाएंगे, लेकिन उल्लुओं की सत्ता कायम नहीं होनी, सत्ता जो है वो सच की कायम होनी है, सत्ता सचियारे लोगों की कायम होनी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अंधभगत जो हैं वो ज्यादा दिनों तक चलेंगे नहीं, केवल प्रोपगेंडा वे लोग करते हैं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर उन लोगों, उनके पास पैसा है, उनके पास संसाधन है, तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग केवल प्रोपगेंडा करते हैं। लेकिन सर छोटू राम जी एक बात कहा करते थे कि भाई जिस दिन अखबार मेरे हक में बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन ये समझ लेना कि सर छोटू राम ने तुम्हारे लिए, जिम्मेदारों के लिए काम करना छोड़ दिया। तो ये अखबार, ये मीडिया, ये सदा से ही जिम्मेदारों के खिलाफ रही है, ये सदा से ही अकलियत के खिलाफ रही है, ये सदा से ही सच्चाई के खिलाफ रही है। लेकिन अंधभक्तों की इतनी बिसात नहीं है कि ये लोग इन्फ्लुएंस कर सकें, सोशली हमको इन्फ्लुएंस कर सकें, केवल प्रोपगेंडा है, और ये प्रोपगेंडा भी इनका जो है खत्म हो जाएगा। और जहां तक बात है, हाँ जी जी जी, नो नहीं, अब अपना फिनिश कीजिए, आपकी क्या कह रहे थे? अब अंधभगत इस तरीके के सवाल पूछते हैं। कल मेरे पास एक फोन आया, उसने कहा कि भाई साहब आप अगर सिक्खी में जा रहे हैं तो हरियाणवी कल्चर खत्म हो जाएगा, आप अगर सिक्खी में जाएंगे तो हरियाणवी कल्चर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कौन सा हरियाणवी कल्चर खत्म होगा? आज हरियाणा के अंदर जो हमारे बुजुर्ग जो पगड़ी बांधते थे, आज वो पगड़ी नौजवानों ने बांधनी बंद कर दी है, वो पगड़ी हमें दोबारा से सिक्खी ने दी। हरियाणा के हमारे पूर्वज जो थे वो मूछ दाढ़ी रखते थे, वो आज जो नौजवान क्लीन शेव्ड हो गए हैं और दोबारा से हिंदू धारा में
वो क्या क्या दाढ़ी मूछ को कटवाना जो है वो हरियाणवी कल्चर है, क्या पगड़ी ना बांधना वो हरियाणवी कल्चर है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो ट्राइबल कल्चर है हमारा, जो हरियाणवी कल्चर है, उसका संरक्षण जो है, उसका प्रिजर्वेशन सही मायने में तो सिख ही में है। हम लोग तो पगड़ी बांधना भी भूल गए, और सिखों ने जो है अच्छे से अच्छे ढंग से पगड़ी को बांधने के लिए उन्होंने जो है और ज्यादा मेहनत की और बहुत बेहतरीन तरीके से पगड़ी बांधी। इसी जी तरीके से मैंने उस भाई से ये पूछा कि भाई हमारा जो, जैसे जाटों का जो देवता हुआ, जो जाटों का हमारा स्पिरिचुअल लीडर हुआ, वो हुआ धन्ना भगत जी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कभी टोंक में गए हैं जहां वो पैदा हुए थे, राजस्थान में गए हैं? उन्होंने कहा जी मैं नहीं गया। तो मैंने कहा कौन से हरियाणवी कल्चर को आप प्रिजर्व करोगे? जहां हरियाणा के लोग अपने धन्ना भगत जी को भूल गए, वहां सिखों ने जो है बहुत विशाल गुरुद्वारा, बहुत बड़ा गुरुद्वारा टोंक के अंदर राजस्थान में धन्ना भगत जी की याद में, उनकी स्मृति में बना रखा जी है। और इसी तरीके से जो भाई धर्म सिंह जी हुए, जो जिन्होंने जो पंच प्यारे थे, उनका उनके नाम पर गुरुद्वारा बना रखा है। जी तो प्रिजर्वेशन ऑफ हरियाणवी कल्चर जो है ये बेसिकली तो सिख कर रहे हैं। जी हरियाणवी लोग तो अपने कल्चर को भूल चुके हैं। पगड़ी हम लोग बांधते नहीं, मूछ दाढ़ी हम लोग रखते नहीं, सिंह और कोर हमारे नाम के पीछे है नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हरियाणवी कल्चर को भी अगर प्रिजर्व करना है तो वो सिखी के थ्रू ही हो सकता है। तो जी अंधभगत इस किस्म की अफवाहें फैलाते हैं, जी और जी इन अफवाहों को हम लोग जो है टैकल कर रहे हैं, इन अफवाहों का हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, और लोगों की जी समझ में चीजें आ रही हैं। जी जी मनोज जी, तुसी पगड़ी संभालन की गल की, तो पगड़ी संभाल जट्टा तो काफ़ी पुरानी लहर, 100 साल पुरानी लहर पंजाबियों के विच, सिखां दे विच चलती आ रही है। मैं होर थोड़ी तुहाडे नाल गल करना चाहती हूँ कि अगर पंजाब हरियाणा तुसी उहदे च हिमाचल भी पा लो, अगर इन्हां दी यूनिफिकेशन होंगी है तो किस तरह का असर होएगा इस तुसी मुल्क कह लो, रीजन कह लो, पूरे एरिया दे विच। एक छोटी जी ब्रेक लिए इतने रुकते हैं। साढ़े नाल जुड़े हैं मनोज सिंधु जी, तुसी भी साढ़े इस तरह जुड़े हो, लाइव तुहाडे नाल हाजिर हो, जरूर कॉल करके तुसी अपने क्वेश्चंस कॉमेंट्स कंसर्नस रख सकते हो। साढ़े नाल मिलते हैं ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद सारे का स्वागत, तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम अज का मुद्दा। तो एक पासे पंजाब हरियाणा एकता की गल हो रही है, दूजे पासे सिखी दे नाल जिन्हां नूं जुदा किया सी उन्हां नूं एक बारी फिर जोड़न की गल हो रही है एक इतिहासिक तौर पर। साढ़े नाल जुड़े हैं मनोज सिंह दूहन जी। मनोज जी, तुहाडा एक बारी फिर प्रोग्राम दे विच स्वागत करते हैं। मनोज जी, मैं व्यूअर्स दे लई एक बारी फिर ये चीज़ दोहराना चाहती हाँ कि तुसी बचपन तो RSS आइडियोलॉजी दे विच पढ़े, तुहानू उस स्कूलिंग विच पाया गया, तुसी इस आइडियोलॉजी दे विच जुड़े हुए सी, तुसी उस चीज़ तो हट के हुण सिक्खी वाले पासे तुर पए हो, होरां नूं लैके आ रहे हो। जो ये तुहाडी संस्था यूनियन सिख मिशन, किन्ने क लोकां नूं इन्ने सिक्खी दे नाल जोड़िया इस वेले, हाउ सक्सैसफुल हैव यू बिन इस यू नो इस कम दे विच? इसके अंदर क्या है कि एक तो हमने पूरे नॉर्थ इंडिया में मैसेज दे दिया है, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर ये मैसेज जा चुका है कि भाई जो है हमें सिक्खी में ही आना चाहिए, और सिक्खी को जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत पॉजिटिव नजरिए से देखने लग गए हैं। तो एक तो हमारी अचीवमेंट ये रही कि हरियाणा के अंदर, राजस्थान में, वेस्ट यूपी में और दिल्ली देहात में हमने लोगों का नजरिया जो है वो बहुत पॉजिटिव करने की हमने कोशिश की है, और वो नजरिया गुरु नानक देव जी की कृपा से पॉजिटिव हो भी गया है। और जहां तक बात है कि कितने लोग सिक्खी में आए हैं, तो अब हजारों लोग जो हैं सिक्खी में जो है वो आ चुके हैं और रोज आ भी रहे हैं। मतलब कि गांव के अंदर जो है 50-50, 60-60 लड़के के गांव में सिख वो बन रहे हैं, टीम की टीम सिख बन रही हैं। तो इस तरीके से मैं ऐसा मानता हूं कि आप देखेंगे कि एक लहर सिखी की उठेगी, और हम लोग बेसिकली लहर के साथ चलने वाले लोग हैं। एक बार लहर अगर लहर उठ जाएगी ना, तो फिर पूरा नॉर्थ इंडिया सिखी की लहर में जो है वो बह जाएगा, जैसे पहले इस्लाम की लहर उठी, पंजाब के लोग, लाहौर से परले पासे के लोग सारे मुसलमान बन गए, फिर दोबारा सिक्खी की लहर उठी, हम लोग सिख बन गए, आर्य समाज की लहर उठी, हम लोग आर्य समाजी बन गए। आज दोबारा से अगर सिक्खी की लहर उठती है तो हम लोग सारे
सिखी में आ पक्की, जाएंगे। पक्की तो अब तौर मैं पे ऐसा तौर मानता हूँ कि लगता भाई लहर उठ रही है। है जी, हाँ ये जी तुहानू लगता है कि पक्की तौर ते होएगी? बिकॉज़ ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज तुसी कही है कि जदों मुगल दा टाइम सीगा, इस्लाम दी वेव आई, ओ हो गए, फिर सिख हो गए, फिर हिंदू आ रहा समाज वल जुड़ गए, हुण तुहानू लगता है कि इस बारी ये पक्की तौर ते होएगी? हाँ, इस बार ये पक्के तौर पर होगी, क्योंकि जी जो सिखी है ना वो हमारा अपना कल्चर है उसको, और अपने कल्चर में आकर आदमी पक्का हो जाता है, मनोज जी, वो हमारा अपना धर्म। हाँ जी जी कॉलर साढ़े नाल जुड़ चुके, मैं उन्हों तो भी सुनना चाहती हूँ, बट रियली क्विकली, साड़ी पहले भी गल हो रही सी, अगर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन एरियाज दी एकता हुंदी है, किस तरह का इम्पैक्ट ये रीजन ते पाओगी? ये केवल इस रीजन के ऊपर इंपैक्ट नहीं रहेगा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर बना करेंगे वो पंजाब से बना करेंगे। 1947 में भी जो पंजाब को तोड़ा गया, इन लोगों ने इसीलिए पंजाब को तोड़ा कि इनको डर था कि पंजाबी कोई इस मुल्क का प्रधानमंत्री ना बन जाए, इसलिए नेहरू नेहरू जो है पंजाब को तोड़कर नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बना था। आज जी भी इन्होंने 1966 में जो पंजाब को तोड़ा वो इसलिए तोड़ा था कि अगर पंजाब यूनाइटेड रहता तो फिर हम ही हुकूमत इस मुल्क पे करते, और इस मुल्क पर हुकूमत करके पूरे साउथ एशिया के ऊपर हमारा इम्पैक्ट रहता, पूरे साउथ एशिया के ऊपर जो है पंजाब का प्रभाव रहता। तो अगर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल एक हो जाते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं केवल इस रीजन पर ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के ऊपर इसका इंपैक्ट जाएगा, जी और प्रधानमंत्री जो है वो हम लोग जो है फिर पंजाबी देखेंगे। जी मनोज जी, कुछ कॉलर साढ़े नाल जुड़ चुके, सुन लेंगे उन्होंने विचार। सत श्रीकाल, तुसी ऑन एयर हो। हेलो, हाँ जी, सत श्रीकाल जी, तुसी ऑन एयर हो, सत दसो। श्रीकाल जी, सत श्रीकाल जी, मनोज जी, खालसा जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मनोज जी, तुसी धनता दे जोग हो जिन्हां ने गुरु नानक दी सिखी पछाणी है, ते मैं भी कैथल तो हाँ, हरियाणे तो, प्रेमपुरा पिंड है साडा, ते बड़े मन नूं खुशी हुई है जो तुसी कर रहे हो सिखी दा प्रचार। जिहड़ा किसान मोर्चा है इहने दुनिया बदल के रख दी, पूरा वर्ल्ड तुहाडे नाल जुड़िया है। पर इह जिहड़ा कहिंदे ने ना किसानां दे मौत दे वारंट ने, किसानां दे मौत दे वारंट नहीं, इह ना सरकार ने अपनी कवर आप खोद ली है। इहनां दी शुरुआत हो गई बंगाल तो, ते तुसी जो कर रहे हो तुसी धनता दे जोग हो, और जस पंजाबी दा भी बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़ा तुहानूं लैके आए ने, दुनिया रूबरू करा रहे ने। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच तुहाडी कॉल लई, तुहाडे कमेंट्स लई। सत श्री अकाल, तुसी ऑन एयर हो। हां जी, सत श्री अकाल सुमिता जी। हां जी डॉक्टर सराम, स्वागत तुहाडा, दसो जी तुसी की कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एप्रिशिएट यू ब्रिंगिंग सच अ गुड प्रोग्राम। थैंक यू जी। सेकंडली मनोज सिंह दा, आई एम रियली इंप्रेस्ड जी। दैट्स व्हाट वी नीड टुडे जी, गुरु नानक मिशन इन इंप्लीमेंटेशन। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ, ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਅ ਸਿੱਖ ਬਾਈ ਚੋਇਸ ਵਿਦ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਪੀਪਲ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਇੰਡੀਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਾਸ ਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਐਕਚੁਲੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ liberated with a lot of sacrifice, 86% sacrifices. So now time has come to have this kind of movement. We fully support it. Inanu mere walon dass dena ke we need that kind of movement. मनोज जी ने बहुत वधिया वधिया गल्लां दस्सियां जी। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਰੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਦੀ ਆ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਲਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਲਈ, थैंक यू सो मच संजय साहब। थोड़ा बहुत वधिया सवाल है कि ये ना कि सिर्फ एक धार्मिक मिशन है, ये एक सोच दा ते एक बोली दा भी मिशन है। इहदे बारे में तुहाडे पुछना चाहुंदी, कुछ होर कॉलर्स तो सुन लैंदे। सत श्री अकाल, तुसीं ऑन एयर हो। ਸਸਰੀਕਾਲ ਜੀ ਮਨੋਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੱਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਸਾਲਵੇਕਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਦੀ ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ 1 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ 4 ਕਰੋੜ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰੀ ਆ ਖੁਸ਼ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ NRI ਬਿਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲਈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਹਨ? ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੈਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਥੀ, ਔਰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਮੈਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੀ ਥੀ। ਅਬ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ इसी महीने एक और प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, अभी उसको एक्सपेरिमेंट बेस पे हम लोग कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, यूनियनिस्ट गुरुमुखी स्कूल, जिसमें एक ट्यूटर है हमारे और करीबन 250 जो नॉन पंजाबी लोग हैं वो गुरुमुखी को लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं। तो इस तरीके से ये 15 डेज का हमारा कोर्स है, तो एक महीने में हम लोग 500 लोगों को गुरुमुखी जो है वो सिखा रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हमारा अगर सफल रहा तो हम इस चीज को और भी आगे बढ़ाएंगे। और हमने ये भी डिमांड की है कि हरियाणा के अंदर हर एक स्कूल में गुरुमुखी सिखाने के टीचर्स होने चाहिए, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए हरियाणा के अंदर पंजाबी लैंग्वेज का। तो इस चीज को भी हमने, इस चैप्टर को भी हमने शुरू किया है, और जो है अमृतधारी होने की मैं तैयारी कर रहा हूं इस समय, उसके लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूं। नाम जपना मैंने शुरू कर रखा है, रोज करीबन, अभी ज्यादा नहीं तो 5 मालाएं मैं अभी रोज जो है मूल मंत्र के जाप की मैं करता हूं। जी। तो इस तरीके से हम लोग उस डायरेक्शन में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और पंजाबी लैंग्वेज, अच्छा मैं हिंदी इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई हमारा जो नॉन पंजाबी स्पीकर जो हमारा जो तबका है उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा मैसेज कन्वे होना चाहिए, क्योंकि जरूरत आज उनको है। और सिक्खी जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में तो फारसी भी है, उसके अंदर जो है जो ठेठ हमारी भाषा है, जैसे जो कबीर साहब की लैंग्वेज है वो भी है, उसमें धन्ना भगत जी की भी जो लोकल डायलेक्ट है वो भी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर एक बहुत स्पेस है, इंडिया की सभी ट्राइब्स को, सभी लैंग्वेजेस को स्पेस है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पंजाबी को प्रमोट कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, और हर महीने 500 लोगों को पंजाबी सिखाने का टारगेट हमने लिया है। मनोज सिंह दूहन जी, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟਸ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਸਟੇਅ ਸੇਫ ਮਨੋਜ ਜੀ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਈਵਨਿੰਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਚਾਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਨ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੋੜਮੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ